नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। मिश्र ने भारत से गेहूं और चीनी जैसी बुनियादी वस्तुओं के आयात में रुचि व्यक्त की है। भारत दूतावास ने आग्रह किया है कि मिश्र को गेहूं उपलब्ध कराने में रुचि रखने वाली कंपनियां पहले कदम के रूप में किसी भी स्थानीय एजेंट या प्रतिनिधि के माध्यम से इसके साथ पंजीकरण कराएं। इंदौर में चने में लेवाली कमजोर रहने से ये नीचे में 5100 रुपए क्विंटल तक बिका है। नेफेड में एमएसपी 5230 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अभी तक 3,28,014 टन चना खरीदा है। महाराष्ट्र में इस साल अब तक चीनी का 132 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। राज्य के चीनी आयुक्त ने कहा है कि ऊंचे उत्पादन के बावजूद चीनी कीमतों के नीचे आने के आसार नहीं है। साल 2021-22 में कपास का उत्पादन पिछले अनुमान से कम रह सकता है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2021-22 सीजन के लिए कपास की फसल का अनुमान 8 लाख गांठ घटाकर 335.13 लाख गांठ कर दिया है। राजस्थान में इस बार जौ की फसल की बुआई बहुत कम हुई है, इस कारण पहली बार गेहूं से ज्यादा महंगा जौ बिक रहा है। कोटा की भामाशाह मंडी में नया जौ 2500 रुपए से 300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। राजस्थान में खाद्य तेलों की मांग बढ़ी है। जयपुर के बाजार में रिफाइंड तेल की कीमतों में 40 रुपए प्रति टीन का तक का उछाल आया है। मंडियों में जींसों की खरीद अभी मंदी पड़ी है, 15 अप्रैल से बाजार में तेजी आएगी। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन तेल तिलहन और पामोलियन तेल की कीमतों में सुधार आया है, जबकि घरेलू मांग कमजोर होने से सरसों तेल तिलहन के भाव में गिरावट देखी गई है। मार्च 2022 में इंडोनेशिया में पाम ऑयल की कीमत 22,000 इंडोनेशियन रुपए प्रति लीटर हो गया है। इस साल 1 फरवरी को इंडोनेशिया की सरकार ने खुदरा कीमत पर सीलिंग लगाने की कोशिश की। देश में सोने का आयात पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 33.34% बढ़कर 46.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। चीन के बाद अब भारत सोने का दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। वित्त वर्ष 2021-22 में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात करीब 50% बढ़कर 39 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। हरियाणा में सरकारी एजेंसियों को 85 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन 9 दिन में सरकारी एजेंसियों का 7 लाख टन गेहूं ही खरीद कर पाए हैं। युद्ध की स्थिति को देखते हुए वैश्विक स्तर पर गेहूं की मांग बढ़ सकती है। भारत से कनाडा को ताजा केला और बेबी कॉर्न निर्यात करने के विदेशी बाजार तक पहुंच मिल गई है। भारत द्वारा ताजा केले के लिए उपलब्ध कराई गई तकनीक जानकारी के आधार पर कनाडा ने अपने देश में भारतीय केले के प्रवेश को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।